ही गाइस, पिछले बार हमने एडोब एनिमेट सीसी के अंदर वीडियो को कंटिन्यू किया था और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो है, एक बार मैं प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ तक एडिट किया था। देखो वेलकम टू cryptospuzzle.com। यहाँ पे आप खुद की गेम लेवल्स क्रिएट कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी कोडिंग स्किल। तो cryptospuzzle एक ऐप है जो कि फिलहाल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सिर्फ एंड्रॉयड के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर करना होगा। जब आप क्रिएटेड डैशबोर्ड पे आ जाते हो रजिस्टर करने के बाद, तो आप लोगों को वहाँ पे भी वीडियो सपोर्ट मिल जाता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या कहा है कि जब आप क्रिएटेड डैशबोर्ड पे आ जाते हो, तो ये क्रिएटेड डैशबोर्ड, ये इसको हम हाईलाइट करेंगे और बाद में बोला है कि आपको वीडियो सपोर्ट मिल जाता है। तो ये वीडियो सपोर्ट है, प्लस ये भी है देखो यूट्यूब का जो साइन है, मतलब ये भी वीडियो सपोर्ट है। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वीडियो सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसे बताया है वहाँ पे। तो उसी को हम अभी एनिमेट करेंगे ऑडियो के साथ। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि दिखाई दे ऑडियोस, थोड़ा नीचे यहाँ तक ठीक है, ओके, ताकि स्क्रीन भी मिले हमें एनिमेशन करने की। तो इसको मैं शो फ्रेम कर देता हूँ, तो देखते हैं एक बार। तो ये मैंने ग्राफिक बनाया था, इसके अंदर हम चले जाएंगे, सॉरी बाहर आता हूँ। ये फर्स्ट इमेज होगी, अभी सेकेंड इमेज, तो वो अनलॉक करके पहली वाली लॉक कर दी। तो इसको भी चाहिए तो एक बार ऊपर से कन्वर्ट टू सिंबल करके रख देना, एक बैकअप के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो ये बैकअप हो गया। और अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये ट्यूटोरियल थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए कि लेयर्स को मैनेज कैसे किया जाता है। देखो तो यहाँ पे मैं आगे क्या करता हूँ, आगे तक राइट क्लिक करके शिफ्ट F5, मतलब सॉरी F5 कर लेता हूँ मैं, तो और बढ़ा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता होगा आप लोगों के लिए। सो अच्छा होगा, देखो मैंने ज़्यादा ही बढ़ा दिया, ठीक है। तो एक बार होल्ड रख के रख देना और वापस से अगर हम बाहर आते, देखो कहाँ से शुरू किया था हमने वो देख लेते। देखो यहाँ पे ये देखो 455 सेव कर लेते हैं एक बार। तो हमें अंदर भी 455 से ही शुरू करना है। तो अंदर जाता हूँ, तो देखो ये फर्स्ट की फ्रेम से आ रहा है, ओके। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं बाहर आता हूँ, देखो सिलेक्ट करूँगा, ये फर्स्ट की फ्रेम दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से ही स्टार्ट किया था, तो इसके लिए ये फर्स्ट की फ्रेम है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो अंदर फर्स्ट पे आ रही है, तो और यहाँ पे की फ्रेम कितनी है, देखो यहाँ पे 455। तो एक सिंपल काम कर लेना, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना इसको 455 पे और यहाँ पे 455 पे सिलेक्ट कर देना लूपिंग के अंदर, लूपिंग ऑप्शन में। तो कैसे मिलेगा आप लोगों को, या इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद लूपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और पे सेट कर दो फ्रेम को 455। अगर हम डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, देखो डायरेक्टली 455 पे आ गए। तो यहाँ से हम अभी एडिटिंग शुरू कर सकते हैं और यहाँ से एनिमेशन आगे दिखाई देगा, ठीक है। ये ज़रूरी है करना, तो ही आप लोग अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे एडिट के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ पहले। तो हमें क्या करना है, क्रिएटेड डैशबोर्ड पे बताना है कि वहाँ पे आने के बाद, सॉरी वो वाला हमें ब्लैकआउट में दिखाना है। तो सेम काम करना है हमें, सेम से लेकर के ये दूसरा वाला नया बना लेते हैं हम लोग ऐसे यहाँ तक। इसको सीधा आउटलाइन मोड पे रख लेते, देख लेते एक बार, या फिर एक बार क्लिक कर लो कंट्रोल के अलाइनमेंट, ये इसको बीच में ला देना, ठीक है। उसके बाद हमें क्रिएट डैशबोर्ड ना, सो उससे पहले हमें क्या करना है, याद है ना, इसको आउटलाइन मोड से ऑन कर देता हूँ एक बार, कन्वर्ट टू सिंबल, लेकिन इसमें आप लोगों को मूवी क्लिप कर देना है, ओके। अभी अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद नया लेयर, पिछले वाला सेम वैसे ही किया था, जैसे किया था वैसे ही करेंगे। देखो क्रिएटर डैशबोर्ड है,
तो ये मैंने कलर चेंज करके यहाँ पे आप लोगों को क्या किया है, देखो मैनेज कर लिया इस लेयर के ऊपर लेके प्रॉपरली। इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको ऑन करके आउटलाइन मोड से इसको डिलीट कर देता हूँ। बाहर आके हमें क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आना है, नीचे नीचे ऐड करना है फिल्टर को, ब्लर, ब्लर में हमें यहाँ पे ये लॉक रखना है, ये 10 कर देना है, ओके। उसके बाद हमें और एक काम करना है, इसको ही सिलेक्ट करके यहाँ से अल्फा सेलेक्ट करके 80 कर देना है इसको, ठीक है। सो ओके, लेकिन 80 कब करना है हमें, क्रिएटेड डैशबोर्ड पे आ जाओ। तो यहाँ से स्टार्ट करते 456 से अंदर जाता हूँ मैं और इसको इंसर्ट की फ्रेम, बाद में वापस से इंसर्ट की फ्रेम और यहाँ पे फर्स्ट में जाके इसको सेलेक्ट करके अल्फा जो है 0 कर देना है, यहाँ पे भी सेलेक्ट करके 0 कर देना है, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं क्लासिकल ट्विन दे देता हूँ ताकि ऐसे आ जाए। अगर हम बाहर आते हैं देखते ना होगा जब आप क्रिएटेड डैशबोर्ड पे आ जाते हो रजिस्टर करने के बाद, तो यहाँ तक ये रहेगा ऐसे ही, तो आप लोगों को वहाँ पे भी वीडियो सपोर्ट मिल जाता है, तो वीडियो सपोर्ट में तो हम एक मिल जाता है, हम तो आप लोगों को वहाँ पे भी तो आप लोगों को वहाँ पे भी तो 570 से हम इसको वापस से क्या करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम और ये 10 करेंगे, 10 तक हम लेंगे तो अच्छा रहेगा। इंसर्ट की फ्रेम और इसको हम निकाल देते, क्लासिकल ट्विन हो गया। उसके बाद वीडियो रेफरेंस के लिए भी हमें सेम करना है, क्या करना है, पिछली बार किया था तो वैसे ही देखो यहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट की फ्रेम डबल क्लिक किया, हमें बढ़ाना है ये, इसी मूवी क्लिप को सेकेंड टाइम भी यूज़ करना है इसलिए। तो एक बार मैं आउटलाइन मोड पे रख देता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि कितना लेना है, ओके। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, फिर नीचे ले लेते हैं ऐसे, ये ठीक रहेगा। अभी इसको आउटलाइन मोड से मैं निकाल दिया, बाहर आता हूँ, इसको अभी हमें क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, तो शिफ्ट पकड़ के भी ऊपर ले जा सकते हैं, फिर जूम आउट करके मैं ऊपर ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें वापस से अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद इसको ऊपर वाले को आउटलाइन मोड पे रख के वीडियो सपोर्ट के लिए, तो ये वीडियो है, तो यहाँ पे जाता हूँ वापस से सेम, और देखो लेयर कौन सी है, नहीं तो एडिट नहीं होगी वहाँ पे, तो एडिट करने के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया ये ऐसे यहाँ तक, ओके। ये वीडियो सपोर्ट है, देन ये भी एक वीडियो सपोर्ट है, और कौन सा वीडियो सपोर्ट है, ये भी वीडियो सपोर्ट है, वीडियो के हिसाब से तीनों मैंने रख दिए। फर्स्ट टूल लेके पहले देख लेना प्रॉपरली मैनेज है या नहीं, एक बार मैं इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, मुझे ठीक ही लग रहा है। इसको छे तो हम कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेना, फिर आगे पीछे कर लेना आपके हिसाब से आपको लगे वैसे, ठीक है। अभी इसको सिलेक्ट किया, कट कर दिया, उस लेयर से कट करके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी, बाद में आउटलाइन मोड से निकाल के सिर्फ वाइट वाला पोर्शन है उसको मैंने
डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अभी अगर हम बाहर आते और इसको हम क्या करेंगे, देखो वीडियो सपोर्ट को दिखाने के लिए इंसर्ट की फ्रेम, और ये देखो इंसर्ट की सॉरी क्लासिकल ट्विन देनी हमें, सो क्लासिकल ट्विन दे दी। या फिर इसको सेलेक्ट करके अल्फा जो है वो 80 कर देना है, ओके। अगर हम बाहर आते हैं तो देखते एक बार, तो आप लोगों को वहां पे भी वीडियो सपोर्ट मिल जाता है। तो थोड़ा और मैं प्ले करके देता हूं पीछे से, जब आप क्रिएट डैशबोर्ड पे आ जाते हो रजिस्टर करने के बाद, तो आप लोगों को वहां पे भी वीडियो सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सारी वीडियो वैसे भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो एक बार हम काम करते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं और यहाँ पे ये जरा जल्दी हो रहा है फेड इन फेड आउट वगैरह, इसको हम थोड़ा पीछे ले लेते हैं। तो ऐसे मैनेज करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है, देखते हैं अभी पे आ जाते हो रजिस्टर करने के बाद, तो आप लोगों को वहाँ पे भी वीडियो सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सारी वीडियो वैसे भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो यूट्यूब का लोगो भी मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, जो कि मैंने फोल्डर बनाया था उसमें है सब कुछ अवेलेबल। आप लोग आपके हिसाब से सारे एसेट्स को मैनेज कर लो। इसको उठा के लाइब्रेरी में लेके आता, पहले लाइब्रेरी ओपन करनी चाहिए थी। वापस एक बार उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, चाहे तो उनको भी अच्छी तरह से नाम दे दो ताकि समझ में आए। तो ये 9 वाला है लगता है, देखते इसको सेलेक्ट करके। प्रीव्यू में तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक मिनट, हाँ ये है, ओके। तो एक बार काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी ब्लैकआउट कर लेते हैं पूरा का पूरा, और यूट्यूब आगे दिखाई दे, ठीक है। वीडियो वैसे भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो ये सारी वीडियो वैसे भी वीडियो सपोर्ट में जाता है। तो ये सारी वीडियो वैसे, तो यहाँ से 655 से हम अंदर एनिमेशन करेंगे। अभी डबल क्लिक करूँगा डायरेक्टली 655 पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम, अंदर जाते हैं ब्लैक बैक स्क्रीन पे, और वापस से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बड़ा कर देंगे इसको, ताकि ब्लैक स्क्रीन मिल जाए। जूम आउट करके कर लेते हैं, बाहर रख के, ओके। पहले हमें क्या करना है, फेड आउट करना है इसको ना, तो ये हम यहाँ से कर लेते हैं। इंसर्ट की फ्रेम आई क्लिक करके क्लासिकल ट्विन, और इसको हम पहले ब्लैक आउट कर लेते, सॉरी फेड आउट कर लेते, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इंसर्ट की फ्रेम अभी, और इसको उठा के अभी मैं ऊपर ले लेता हूँ, अब पूरा स्क्रीन को ब्लैक कर लेता हूँ। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लासिकल ट्विन देख के यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अल्फा को 80 सेट कर देना है, हो गया, ओके। तो ये सारी वीडियो वैसे भी यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब के लिए हम 690 से शुरू कर सकते हैं अंदर से। तो नया ले लेता है, 690 पे जाके इंसर्ट की फ्रेम, ये चाहिए तो लॉक कर देना। यूट्यूब वाला ले ले मैंने यहाँ पे, तो इसको हमें रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, कंट्रोल के हमें सिर्फ अलाइन करना है बीच में, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल कर लेते हैं, और पीछे बैकग्राउंड डाल देते हैं ताकि वो दिखाई दे, इसको ग्राफिक कर लेते हैं। अगर शेडो वगैरह देनी है तो आप लोग चाहे तो मूवी क्लिप कर देना, ठीक है। अंदर जाके नया लेयर लेके
इसको नीचे देन रेक्टेंगल टू लेके प्रॉपर्टीज में जाके पहले देख लेता हूँ फिल कलर है, और हम एक शिप आर करके मैंने रेक्टेंगल प्रिमिटिव ले लिया यहाँ पे, ये 20 है बराबर है, ऐसे मैनेज कर लेता हूँ, अच्छा दिख रहा है अभी भारत है। अभी कंट्रोल के करके एक बार ऊपर से अलाइन कर लेता हूँ और इसको छोटा कर लेते, थोड़ा इतना भी बड़ा अच्छा नहीं होगा दिखने के लिए। सो इसको हम पॉपअप करेंगे एनिमेशन, इंसर्ट की फ्रेम, सेम की फ्रेम में कर लेता हूँ मैं, इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम, क्लासिकल ट्विन, इसको कंट्रोल अल्ट एस से मैं क्या कर देता हूँ 5, तो स्केलिंग 5 हो जाएगी, देख लेते हैं ठीक है। उसके बाद कंट्रोल अल्ट एस, अभी स्केलिंग हमें 140 रख देनी है, ओके। उसके बाद कंट्रोल अल्ट एस 80 स्केलिंग, छोटा हो जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा, तो देखो ऐसे एंटर प्रेस करके देख लेता हूँ एक बार, ये बहुत ही स्लो डाउन हो रहा है ना, तो हमें ये थोड़ा पीछे लेके जाना होगा। अभी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम ये ऑप्शन भी दे देता हूँ एज इन एज आउट का, तो मैंने की फ्रेम पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं 70 कर देता हूँ ताकि एकदम ज़ोर से आ जाए, ठीक है। अभी देखो, अभी ठीक है, ऐसे होगा, ये बाहर आता हूँ देखते एक बार एनिमेशन। वीडियो वैसे भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप भी देख सकते हो, तो वहाँ से आप भी देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं उसको वापस से रिवर्स कर दूंगा, देख सकते हो। तो देख सकते हो उसके साथ 750, हाँ 750 को अंदर जाके उसको रिवर्स कर देंगे। सो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अल्ट होल्ड रख के 750 तक आई क्लिक करके रिवर्स फ्रेम, तो देखो सेम हो जाएगा, ठीक है। और बाद में यहाँ पर आई क्लिक करके ब्लैंक की फ्रेम सेट कर देते हैं ताकि वो निकल जाए। मुझे लगता है वीडियो लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो अगला जो भी है वो हम नेक्स्ट गेम में, मुझे लगता है वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो हम ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।